हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि फाइव सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें आपने हमने वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, तो आपको एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी पूछा जा सकता है। तो देशांतर विस्तार कितना है, 6 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि कहाँ पर है, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है ना, जो गुजरात से स्टार्ट होती है हमारी लाइन जो है लॉन्गिट्यूड की, से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, जो कहाँ पर है, जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, और ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। तो बहुत इजी है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बाउंड्री जो है वो सबसे बड़ी है भारत के साथ। नेम द टू रिवर्स विच कुमायूं हिमालयस एक्सटेंड। कुमायूं हिमालयस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, टू रिवर्स कौन सी हैं जिनके बीच में ये एक्सटेंड करता है। तो उन रिवर्स के नाम हैं सतलुज और काली। सतलुज और काली दो रिवर्स हैं जिनके बीच में कुमायूं हिमालय जो है वो एक्सटेंड करता है। नेम द आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। साउथ ऑफ लक्षद्वीप में कौन सा ऐसा आइलैंड है जो सबसे ज्यादा एंड में है, तो उसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है जी, मिनिकॉय लक्षद्वीप के अंदर आता है और सबसे एंड पॉइंट है ये लक्षद्वीप का, साउथ में है ये आइलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WMO। तो WMO की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल LOGIS, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें बोला है इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 1686 हु टोल्ड दैट मॉनसून्स आर द रिजल्ट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो किसने ये बोला था कि जो मॉनसून्स है वो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, किसके, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बीच में। तो ये बोला था हमें सर एडमंड हैली ने, उन्होंने बोला था कि मॉनसून्स जो है वो महाद्वीप और ओशंस के बीच में थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, तापीय अंतर के कारण ऐसा होता है। जो मॉनसून है बेसिकली ये भी क्या है, तापमान में अंतर के कारण ही चलते हैं। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1953 ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी डिवाइडेड ऑफ इंडियन सॉइल्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। हाँ जी, कितने ग्रुप्स में ICAR ने डिवाइड किया है इंडियन सॉइल्स को, तो डिवाइड किया है 8 ग्रुप्स में। ठीक है, वॉट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो भारत की पॉपुलेशन थी 125.3 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट डाटे की बात करें कि अकॉर्डिंग टू 2021, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, भारत की पॉपुलेशन जो है वो अब बिलियन में बढ़ चुकी है। ठीक है, करोड़ को क्रॉस कर गई है, बिलियन में आ गई है अब। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर एल सिंह इंडियन रूरल सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स बने हैं रूरल सेटलमेंट्स के, तो वो है चार, टोटल चार ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा, इसको हम बोलते हैं सघन बस्तियां। ठीक है, दूसरा आएगा सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट बस्तियां जो होती हैं रूरल सेटलमेंट्स की, जो ज्यादा घनी नहीं बसी होती हैं, थोड़ी कम घनी बसी होती हैं। उसके बाद आ जाएगा हेमलेटेड। मैं आपको वैसे बता रही हूं, आपको वैसे इसका आंसर सिर्फ 4 ही लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आएगा डिस्पर्स्ड।
मैं आपको वैसे बस्तियों के टाइप्स बता रही हूँ कि कितने टाइप्स हैं जो रूरल सेटलमेंट्स हैं। तो एक आ गया कॉम्पैक्ट, दूसरा आ गया सेमी कॉम्पैक्ट, तीसरा आ गया हैमलेटेड और चौथा आ गया डिस्पर्स्ड। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है अभी आज की डेट में है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितनी उसकी प्रोडक्शन है, 146.5 लाख टन। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, आपको पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आ गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और नंबर टू पर कौन सा राज्य है भारत का, नंबर टू पर है राज्य राइस प्रोडक्शन में, ये आएगा यूपी, और जिसकी प्रोडक्शन है 140.22 लाख टन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंडियन आइलैंड्स, इंडियन आइलैंड्स के बारे में बताना है, इन्होंने इंडियन आइलैंड्स के बारे में पूछा है। तो इंडियन आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आते हैं, ठीक है, तो मालदीव्स आते हैं, ठीक है, ये सारे जो है भारत के आइलैंड्स के अंतर्गत आते हैं, तो उनके बारे में हमने संक्षेप में इधर लिखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो भारत की ब्लैक सॉइल रीजन्स कौन कौन सी हैं, जहां जहां पर भारत में काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है भारत में कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, उसके बाद गुजरात के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का है जहां पर ये पाई जाती है, तो उस सब के बारे में हमने इसमें लिखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाँ जी, बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, तो सबसे पहले है जो बर्थ रेट है उसका मेथड बता देती हूँ। बर्थ रेट का मेथड जिसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, उसको होता है टोटल लाइव बर्थ, ठीक है ना, ओवर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, और उसी के साथ जो डेथ रेट है, तो डेथ रेट को भी हम क्या करते हैं, डेथ रेट को हम लिखते हैं टोटल डेथ मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना, पी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी किसे बोलते हैं हम, तो क्रॉप इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लिखेंगे क्रॉप इंटेंसिटी सी आई इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ओवर क्या आएगा, नेट सोन एरिया, जितना एरिया जो है वो बोया गया है, कुल सकली फसल क्षेत्र बटा कुल बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला सी आई, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटा नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये थे तीन तीन नंबर के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे लंबे लंबे आंसर आप हमें करने हैं, तो 12-12 नंबर के एक एक आंसर होगा, जिसमें हमने मैप जरूर बनाने हैं जितना हो सकता है। ठीक है, मैप की सहायता लेनी है। डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू इम्पोर्टेंस ऑफ इस लोकेशन। ठीक है, तो पूछा गया है इंडिया का एक्सटेंट कितना है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, जैसे कि ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा नॉर्थ टू साउथ कितना है भारत, 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट कितना है भारत, ईस्ट टू वेस्ट है भारत 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लैंड फ्रंटियर कितना है भारत का, लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जहां पे सिर्फ लैंड है। कोस्ट लाइन कितनी है, कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये लिखने हैं इनकी लोकेशंस के बारे में, भारत की, भारत कहाँ कहाँ पे कितनी भारत की लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, छोटे छोटे नोट्स लिख लिए हमने किसके बारे में, कॉजेज ऑफ डिप्लिक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे कम होती जा रही है, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने के कारण, जैसे कि कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग सिस्टम है, क्लाइमेट है, डिप्लिक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में इनएडिक्वेट यूज ऑफ, बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम फर्टिलाइजर का, तो वो सारे इसमें पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं ए फॉरेस्टेशन करना है, ठीक है ना, पेड़ों को लगाएं हम जिसके कारण, ठीक है, घास लगाएं हम, मोर पेस्चर एंड ग्रेजेस को, तो उन सब के कारण जो है हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, पार्ट सी का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर्स एंड ट्रेंड्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द वेरियस
फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी को, फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे एज कंपोजिशन है, जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं, और रिलीजन है, कुछ रिलीजन में 2 बच्चे, कुछ में 3 बच्चे, ठीक है ना, इस प्रकार के सारे फैक्टर्स हैं। और मोर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे भारत के अंदर कि जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, और जो मृत्युता को प्रभावित करते हैं, ठीक है, इस टाइप के आपने फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज फॉलोड बाय इट्स ज्योग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा कहां पे रहती है, उसके भौगोलिक जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, और जो फिजियोग्राफिक जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों में और दुर्गम क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, बजाय इसके कि वो क्षेत्र जहाँ पे जो प्लेन एरियाज हैं, लेवल्ड एरियाज हैं या कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो रहती है, डेंसिटी रहती है, तो वो प्रभावित करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में है, ठीक है, तो इसलिए जो फिजियोग्राफी है, जो भारत की जो उच्चावच है और जो भौगोलिक स्थिति है, वो जनसंख्या को जरूर प्रभावित करती है, ये आपने लिखना है इसके अंदर। चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल सेटलमेंट। हाँ जी, रूरल सेटलमेंट क्या होता है, बहुत इजी है, रूरल सेटलमेंट्स के डिटेल में उसके पैटर्न्स बताने हैं, तो पैटर्न्स कौन कौन से हैं रूरल सेटलमेंट्स के, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हाँ जी, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं रूरल के, ठीक है ना, उसके अलावा है एल शेप है, टी शेप है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर है, लीनियर है, ठीक है, बहुत सारे, ये सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं ये रूरल सेटलमेंट्स के हैं, ये हमने लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन की तो बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको पता है ओवर क्राउडिंग है, ठीक है ना, भारत के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती जा रही है नगरों के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लम्स हैं बहुत ज्यादा, आपने पता होगा आपको स्लम, स्लम डॉग में लीनियर आपने देखी होगी, ठीक है ना, तो स्लम्स हैं भारत के अंदर, और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है किसकी है, भारत की अर्बनाइजेशन की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट डिटेल नोट ऑन द टाइप्स एंड प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कोल इन इंडिया। हाँ जी, कोल के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इसके लिए, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कोल के प्रकार हैं। सबसे पहले आ गया एंथ्रासाइट, ठीक है, CITE, एंथ्रासाइट आ गया, लिग्नाइट आ गया, फिर आ गया बिटुमिनस आ गया, 4 प्रकार के कोल जो है, बिटुमिनस जो भारत में पाया जाता है, फिर आ गया पीट आ गया, ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं जो कोल के पाए जाते हैं। और भारत में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल के प्रोडक्शन में, तो वो है झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड जो है नंबर 1 पर है कोल के प्रोडक्शन में, नंबर 2 पर है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आ गया, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कोल के प्रोडक्शन और उसके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है, तो ये था कोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ राइस इन इंडिया। तो ट्रेड ऑफ राइस इन इंडिया कहाँ कहाँ पर, भारत में कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं इसका, कोयले की खेती के लिए कौन कौन से जो टेम्परेचर है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो उपयोगी हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो कोयले की खेती के लिए कैसा होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जब इसको बोते हैं, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बढ़ते समय कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पकते समय कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पानी जो है, रेनफॉल जो है वो कितने होने चाहिए, 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है, श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, किसमें, चावल की खेती में, सबसे प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, अभी आजकल वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर चल रहा है। उसके बाद नंबर 2 पर आ गया पंजाब चावल की खेती में, ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे आ गया यूपी, ठीक है, और अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है चाइना और नंबर 2 पर है इंडिया राइस के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से इसके बारे में डिटेल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।